Good morning, students. Now, in the previous episode, we have done reproduction. हमने reproduction किया था, ठीक है ना? और क्या किया था? और कुछ नहीं किया था, reproduction किया था, reproductive health पे पढ़ा था कुछ, बस. हम तो ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस. तो इसमें हम खाना खा चुके हैं सब कुछ, ठीक है ना? तो जा रहे हैं digestion करने, ठीक है? खाना खा के digestion अच्छे से खाए पिए ना सिर्फ, ठीक है? फिर डाइजेशन करते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी योर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली बेसिक एनाटॉमी हम डील करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है? माउथ. माउथ में टीथ. तो सबसे पहले हम टीथ के बारे में बताएं कुछ. टीथ इन ए ह्यूमन बीइंग देयर जो दांत होते हैं वो एक सॉकेट में फिक्स होते हैं और इस टाइप के दांत को हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट. अंडरस्टैंड? दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज थीकोडोंट. ओके बेटा, एंड योर टीथ, जैसे आपका जो दांत है देयर इज टू सेट्स, वन टू टेम्पोरी मिल्क टीथ एंड परमानेंट. ठीक है, क्या ना बेटा? एंड दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डिफायोडोंट. दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डिफायोडोंट. ओके, मतलब पूरी लाइफ में हमारे दो टाइप का टीथ आया, एक मिल्क टीथ और डेसिडस टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ. ओके, नाउ सी टीथ ICPM, ठीक है? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. देखिए बेटा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एंड दिस इज अप 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 6. देखिए ईच हाफ का मैं बता रहा हूँ, इस तरफ 2 1 2 3, फिर इस तरफ 2 1 2 3 इंटू टू अपर जॉ एंड लोअर जॉ. तो इट मीन्स दो कैनाइन, दो इंसिजर, दो कैनाइन, दो प्रीमोलर, दो मोलर, सॉरी दो इंसिजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर, तीन, ठीक है? तो इस तरह के 32 टीथ, एट एल टू, ठीक है? ये हो गए टीथ. और AIPMT में अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ था डेंटिशन 2 1 2 3, ठीक है? नाउ सी टीथ की ऊपर वाले पार्ट, अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एनमल. एंड दिस हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड. स्टेट PMT 2011 में आया था, ठीक है? एनमल helps in mastication of food. ठीक है बेटा, एनिमल मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी. ओके, हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी. अंडरस्टैंड? समझ में आया ना? अरे मास्टर जी कुछ समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नहीं बोलते मास्टर कहाँ पढ़ा के चल गया, कुछ समझ में ना आवत हो, ठीक है ना? तो अब हमारा टीथ वाला पार्ट हो गया, अब हम टंग पे आते हैं, ठीक है?
टंग का जो अपर पोर्शन होता है आप देखें क्या उसमें कुछ होता है? टंग की अपर पोजिशन पे क्या होता है? थोड़े थोड़े स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। अपर पोर्शन small projections known as papillae. Okay, इस small projections को हम papillae बोलते हैं और उसमें से कुछ small projection taste buds का काम करते हैं. Taste buds. अब बताओ क्या taste bud sweet starts और bitter. Now see, ये टंग हो गया बर्ड. अब डाइजेस्टिव सिस्टम में मींस एलिमेंट्री कैनाल में थोड़ा और आगे बढ़िए. एपिग्लॉटिस को क्या बोलते हैं? ढक्कन. ढक्कन वो ढक्कन जो खाना खाते समय बंद करता है क्या किसको? Epiglottis is prevents the entry of food into glottis. Glottis के ऊपर ढक्कन है. Epiglottis prevents epi means upon the entry glottis के ऊपर ना. Okay, understand? Prevents the entry of food particles into glottis. Okay. एपिग्लॉटिस ये क्या है? ढक्कन. ठीक है, ठीक है ना? ढक्कन है वो ढक्कन है जो खाना खाते समय बंद हो जाता है. तो बंद कर देते हैं एपिग्लॉटिस को तो खाना ग्लॉटिस में नहीं घुसता है. ठीक है ना? ओके, नाउ सी इट इज इसको हम एपिग्लॉटिस को हम एपिग्लॉटिस एक्चुअली होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेजिनस फ्लैप. ओके, नाउ सी वन मोर थिंग इज अब ईसोफिगस पे आते हैं. ईसोफिगस इज थिन स्ट्रक्चर. ईसोफिगस थिन and long tube it extends posteriorly through कितना हो गया? इसके बाद स्टमक आता है. स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. जे शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज स्टमक. ठीक है, और स्टमक की एनाटॉमी में बता दूं, इट इज लाइक दिस. ऐसा है समथिंग लाइक दिस. दिस पोर्शन इज नोन एज
फंडस, दिस इज कार्डियक एंड दिस लोअर मोस्ट पोर्शन इज नोन एज पाइलोरी. ओके, आपको सबको पता चलेगा ये जे शेप्ड है. ये वाला पोर्शन जो है ये इसोफेगस है एंड दिस इज सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर पोर्शन ऑफ डुओडेनम. सुपीरियर पोर्शन ऑफ डुओडेनम, ठीक है. नाउ ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इन स्टमक इज गार्डेड बाय, यस, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. क्या? कौन? गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. तो ये क्या करता है बेटा, क्या करता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर? ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक को गार्ड करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है. ओके, सो दिस वाज स्टमक, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर. ये क्वेश्चन आएगा और इसमें कई स्फिंक्टरों के नाम होंगे, बस सेलेक्ट करना होगा कौन गार्ड करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक. क्वेश्चन स्टेट पीपीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है. सो इट इज इम्पोर्टेंट एंड नाउ वी विल सी स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे हर मैनेजमेंट हर इंस्टीट्यूट का एक बहुत ज़्यादा काम करने वाला इंसान होता है, और इस इंस्टीट्यूट का मतलब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, भाई इस इंस्टीट्यूट का नहीं, इंस्टीट्यूट का तो 100% वर्कर्स वर्किंग है, बट ये इंस्टीट्यूट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे ज़्यादा वर्क करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पोस्ट स्पेसिफिक एंड इट इज यू शेप प्रॉब्लम. It is highly poised structure, U-shaped. Small intestine में जो middle portion होता है उसकी, it is long coiled portion. It is middle part होता है. Now see, U-shaped is duodenum or long coiled middle portion. क्या होता है duodenum? Jejunum, middle portion वाला jejunum होता है, ठीक है. Now hypoid structure, small intestine, hypoid structure. Okay, opening of the stomach into duodenum is guarded by भाई, यस यू पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है. ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू डुओडेनम इज guarded by this pyloric sphincter. ठीक है, pyloric sphincter guard करता है opening of stomach into duodenum. ठीक है, now there is one vestigial organ in digestive system, उसका नाम बताइए क्या है. वो है
वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन का खिताब दिया गया है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नाउ सी देम इंपॉर्टेंट थिंग, अब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मींस टीएस ऑफ गट, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट पे एक एनसीईआरटी क्लास 11 में डायग्राम दिया हुआ है, पेज 260 पे फिगर 16.4 दी, देखिएगा। ओके, लेयर्स ऑफ गट, ओके, नाउ देयर फोर लेयर्स, बेटा चार लेयर होंगे उसमें, सेरोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा होता है, मस्कुलरिस होता है, सब म्यूकोसा होता है, और क्या होता है लास्ट वन, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ओके, नाउ सेरोसा, सेरोसा जो होता है इट इज आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियल, ओके, इट इज आउटर मोस्ट एंड मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियल। नाउ मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बारे में बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल, किस चीज का बना होता है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, और इसके दो लेयर होते हैं इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, इस पे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, तो वो डायग्राम आप देखेंगे एनसीईआरटी में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनर सर्कुलर, बस यही बेसिस है जिसपे गलत करते हैं बच्चे, एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, देखिए इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। नाउ अब आप इसको याद भी रख सकते हैं कि जैसे देखिए इनर सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर मोटा मोटा होता है, पुराने जमाने में क्या होता था, देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, एक मेथ थी, औरतें काम करने नहीं जाएंगी, काम करने नहीं जाती थी, पड़ी रहती थी घर में, मोटी हो जाती थी, खुल जाती थी, तो सर्कुलर इसे इनर सर्कुलर, घर के अंदर रहती थी, मोटी फुली फुली रहती थी, तो वो इनर थी, और आदमी क्या होता था, बाहर जाता था, काम करता था, पतला पतला रहता था, तो वो बाहर जाता था ना, तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, अब डायग्राम में देखेंगे इस तरह से शो किया हुआ है, ठीक है। नाउ जो आपका सब म्यूकोसा है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है, किससे बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, दिस कंप्राइज ऑफ नर्व, मस एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, मेड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड और म्यूकोसा इज इनर मोस्ट लेयर एंड लाइनिंग द ल्यूमेन, ओके, ल्यूमेन को लाइन, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एआईटीएमटी में आया हुआ है इसका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम इसका आया हुआ है, डायग्राम ये आप देखेंगे क्लास 11 में पेज 260 में फिगर 16.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आएगा ही आएगा, किसी ना किसी पीएमटी में आएगा, ओके।
Now let's see some enzymes. Enzymes, food component. Location of enzyme. Okay. First, see salivary amylase. ये वो location है जहाँ पे enzyme की action होगी. Salivary amylase. ठीक है. Number one, salivary amylase. तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट, इसके ऊपर इसका एक्शन होता है. स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, इसके ऊपर ये एक्शन होता है. और पीएच इट इज 6.8, अराउंड 6.8. ओके, इसकी पीएच होती है 6.8 पीएच. ठीक है, इट इज नंबर वन. सेकंड इज माइलेज हो गया. ट्रिप्सिन, अभी ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन प्राइमेटिक्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज. तो दिस थ्री एंजाइम्स, इनके ये किस पर एक्शन करते हैं? Proteins, peptones, and proteoses. pH is acidic pH. Acidic pH होता है, ठीक है. और location, intestine, ठीक है. Now amylase. Okay. No, amylase. Amylase किस पर एक्शन करता है? पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड मीन्स स्टार्च पर. Amylase स्टार्च पर एक्शन करता है. इस स्टार्च पर क्या करता है? और एसिडिक पीएच में इंटेस्टाइन, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, नाउ सी लाइपेज. लाइपेज फैट पर एक्ट करता है. फैट पर एक्ट करता है लाइपेज. लाइपेज इज एंजाइम व्हिच एक्ट्स ऑन फैट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ सी न्यूक्लियस. न्यूक्लिक एसिड पर एक्शन करता है. ठीक है, ये एक टेबल मैंने बनवा दिया है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एएफएमटी और एम्स में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. ओके, नाउ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. थैंक यू, नाइस.